एज अ समाज हम बैलेंस्ड भी नहीं है, या तो बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे या बहुत अकड़ जाएंगे। एक कपलेट है, वो कहती है, संभल जाने दो मीरा की थिरकती पायल और गौतम के सधे पांव जरा बहक जाने दो। मीरा बहुत फ्रिवलेस है तो वो थोड़ी सी सोबर हो जाए, गौतम बहुत सीरियस है तो वो थोड़े से रिलैक्स हो जाए, मतलब मध्य में आ जाए। हमको भी मध्य में आना जरूरी है। कभी बहुत रिस्पेक्ट देंगे फॉरेनर्स आए तो इतनी रिस्पेक्ट दी, फॉरेन टीम्स आई इतनी रिस्पेक्ट दी कि वो सिर पे चढ़ गई। जब हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने उनके साथ बराबरी के साथ इंटरेक्शन किया तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने सोचा कि तुम्हारा तो सारा समाज हमारे सामने झुकता है और तुम हमारे साथ बराबरी से कैसे डील कर रहे हो। तो लड़ाइयाँ हो गई, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशंस लग गए। जब ऐसा हुआ, जब हमने देखा कि वो हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को अटैक कर रहे हैं, तो हमने उनके पुतले जला दिए। तो या तो उनके सामने बिल्कुल झुक जाएंगे या उनके पुतले जला देंगे। बीच में आना जरूरी है, ना हो इतने नरम कि कोई भी चबा जाए और ना हो इतने गर्म कि कोई भी छू ना पाए।